नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने जम्मू कश्मीर के दर्जे फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में पहाड़ी तबका को भी शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। कमीशन ने कबाइली अमूर की वजारत से मौसूल होने वाली तजवीज की जांच की है। कमीशन ने भारत के रजिस्टर जनरल के दफ्तर की सिफारिश की बुनियाद पर तजवीज की हिमायत की है। नाज़रीन आपको बताते चलें, शमूलियत की सिफारिशात जम्मू कश्मीर में जस्टिस रिटायर्ड जीडी शर्मा की सरबराही में कमीशन की तरफ से आई थी। इस दौरान नाज़रीन को बताते चलें, नव तश्कील शुदा यूटी की हदबंदी के साथ ही और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाना चाहता है। याद रहे कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वादा किया था कि उनकी हुकूमत जस्टिस शर्मा कमीशन की सिफारिशात को लागू करने के लिए काम कर रही है। पहाड़ी तबका को भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का ऐलान किया था। एसटी फहरिस्त में नई बरादरियों को शामिल करने के लिए मरकजी हुकूमत के तरीकेकार के मुताबिक एनसीएसटी और आरजीआई के दफ्तर ने शमूलियत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। जो कुछ करना बाकी है वो मरकजी काबीना में आइंदा इजलास में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर की एसटी फहरिस्त के अलावा कबाइली अमूर की वजारत को उसके मुताबिक आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब आर्डर 1999 में तरमीम करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाने की जरूरत होगी। उसके बाद उस इजाफे को हतमी शक्ल दी जाएगी जब सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से आइन हिंद के आर्टिकल 342 के जरिए इख्तियार करदा नजरसानी शुदा शेड्यूल को मुतल्ला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज लश्कर ए तोयबा के जंगजू मोहम्मद आरिफ उर्फ इशफाक को साल 2000 में लाल किला हमले केस के सिलसिले में सुनाई गई सजाए मौत की तस्दीक करते हुए उसके खिलाफ दायर नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। बेंच ने कहा, हमने ये दरखास्त कबूल कर ली है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर गौर किया जाना चाहिए, उसका जुर्म साबित हो गया है। हम इस अदालत की नजरिए की तस्दीक करते हैं और नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन याद रहे कि 22 दिसंबर 2000 को लाल किला पर हमले में दो फौजी अहलकारों समेत तीन अफराद मारे गए थे। 10 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की सजाए मौत को बरकरार रखा और 2005 में सेशन कोर्ट की तरफ से दी गई सजाए मौत को चैलेंज करने वाली उसकी अपील को खारिज कर दिया, जिसकी दिल्ली हाई कोर्ट ने तौसीक की थी। 2014 में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी। नाज़रीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के इब्राबाद से ताल्लुक रखने वाले आरिफ को उन 6 मिलिटेंटों में से एक करार दिया गया था जिन्होंने 17वीं सदी की यादगार में घुसकर राजपूताना राइफल्स की 7वीं बटालियन के गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। महकमा मौसमियात ने आज अगले 24 घंटों के लिए बुनियादी तौर पर खुशक मौसम की पेशनगोई की है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में 5 से 7 नवंबर तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर मुकामात पर काफी हद तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश बर्फबारी होगी और बालई इलाकों में गरज चमक का इम्कान है, तहम इस दौरान कोई भारी बर्फबारी मुतवक्का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बर्फबारी और कम दर्जे हरारत इस मुद्दत के दौरान बुनियादी तौर पर जुजिला, सिंथन टॉप, मुगल रोड वगैरह पर गाड़ियों की नकलोहमत में आरजी तौर पर मुतासिर हो सकती है। 5 रोज कबल जिला गांधरबल के कंगन में सड़क हादसे में जख्मी हुआ नौजवान चल बसा। पुलिस के मुताबिक 29 अक्टूबर को कंगन में 21 बरस का नौजवान कैसर अहमद मागरे वल्द गुलाम रसूल मागरे सेखना खानान कंगन स्कूटर से गिरकर जख्मी हो गया था, जिसको इलाज मुआलजे के लिए सब डिवीजन अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया था। डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक करार देते हुए उसे मजीद इलाज के लिए सिकिम सोरा मुंतकिल किया था, जहां वो 5 रोज तक मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जुमेरात की सुबह जख्मों की ताब न ला कर दम तोड़ बैठा। आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुज़श्ता रात गुलमर्ग के अफरवाद पहाड़ी इलाके में रास्ता भटकने वाले 3 सयाहों को बचा लिया है। एक अहलकार ने बताया कि गुलमर्ग पुलिस को गुज़श्ता शब 3 अफराद के रास्ता भटकने की इतला मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस ने बचाव कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने कहा कि एक पुलिस पार्टी को तैनात किया गया और सयाहों को ढूंढ निकाला गया है। नाज़रीन इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब सलाम।